नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और पामिस्ट्री की पाठशाला में आज हम लोग सीखेंगे सनलाइन के बारे में। पहले भी मैं बहुत दिनों पहले एक सनलाइन के बारे में ऑलरेडी एक एपिसोड बना चुका हूँ। वहाँ पे मैंने प्राइमरी कुछ इंडिकेशन और क्या हो सकती है उसके बारे में बताया है। अभी हम लोग आज थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि सनलाइन कैसी होने से क्या क्या रिजल्ट हम लोग को मिलती है। सनलाइन के बहुत सारे नाम भी है, सनलाइन के बहुत सारे नाम हैं, उनमें कुछ नाम मैं बता देता हूँ। लाइन ऑफ ब्रिलियंसी, लाइन ऑफ आर्टिस्टिक टैलेंट, लाइन ऑफ सक्सेस, लाइन ऑफ फेम, ये सारे नाम हैं सनलाइन के। तो समझ सकते हैं कि पामिस्ट्री में सनलाइन की महत्व क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सन जो होती है बेसिकली, जो प्लैनेट अगर जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या समझते हैं वो सभी जानते हैं सन की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे हॉरोस्कोप में सन की इम्पोर्टेंस रहते हैं, उसी तरीके से हम लोगों के पामिस्ट्री में भी सन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। सनलाइन एक लंबी होना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन उसकी कोई कंडीशन होती है। सनलाइन अकेले कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाती है। पहले ये बात हम लोग जान लेते हैं कि सनलाइन किस हालात में आके रिजल्ट देती है। अगर आपके पाम में मेनली अगर फेथ लाइन में कोई ख़राबी हो तो उस टाइम पीरियड में सनलाइन चाहे कितनी भी मजबूत हो वो रिज़ल्ट नहीं, अच्छी रिज़ल्ट कोई भी किसी तरीके से नहीं दे पाएगी। मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा देता हूँ। आपके पाम में एक बहुत ही अच्छी सनलाइन है, बहुत ही लंबी और बहुत ही एकदम पावरफुल सनलाइन है, लेकिन अगर यहाँ पे दिखे कि फेथ लाइन में यहाँ पे इस तरीके से गैप बन रही है, टूट रही है, या फिर फेथ लाइन में और भी और कुछ प्रॉब्लम है, राहु लाइन कट रही है, फेथ लाइन वहाँ पे फेड हो रही है, फेथ लाइन वहाँ पे शेडो है, फेथ लाइन वहाँ पे माइन लाइन में मार्ज हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है फेथ लाइन के सारे प्रॉब्लम आप ले लीजिए। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको दिखे फेथ लाइन के, तो उस एज पीरियड में बहुत अच्छी सनलाइन होने के बावजूद भी आपको कोई भी किसी तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सनलाइन को फेथ लाइन का असिस्टेंट लाइन कहते हैं। फेथ लाइन जो होती है हम लोगों के पाम में, ये वाली लाइन, इसकी असिस्टेंट लाइन होती है सनलाइन। तो जब मेन लाइन जो फेथ लाइन है, मेन लाइन जब बहुत अच्छी ना हो, बहुत अच्छी आपको रिजल्ट ना दे पाए, वहाँ पे असिस्टेंट कोई काम नहीं कर पाती है। वहाँ पे असिस्टेंट बिल्कुल ही आपके लिए कोई भी मददगार नहीं हो सकती है। अगर इस तरीके का सिचुएशन किसी के पाम में बन रही है तो सनलाइन होते हुए भी ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। दूसरी तरफ और एक बार हम लोग दूसरी तरीके से समझेंगे। अगर आपकी फेथ लाइन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी पावरफुल आपकी फेथ लाइन है, वहाँ पे अगर आपको कमज़ोर सनलाइन भी दिखे, कमज़ोर सनलाइन जो हल्की होके चल रही है, तो जहाँ पे ये सनलाइन है उस एज पीरियड में ये आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकती है। असिस्टेंट चाहे कितनी भी दुबली पतली या कमज़ोर हो, अगर मेन इनकी मालिक जो है, मेन लाइन अगर फेथ लाइन उस टाइम पीरियड में स्ट्रॉन्ग है, तो हल्की सी भी आपकी सनलाइन अगर पाम में उस टाइम पीरियड में है तो बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रिजल्ट दे सकती है उस टाइम पीरियड में, और आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। सनलाइन बहुत सारे और लाइन के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। अगर देखिए लाइफ लाइन में किसी एज पीरियड में आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो, तो उस पीरियड में ना ही आपको फेथ लाइन भी अच्छी हो या फिर सनलाइन अच्छी हो, किसी तरीके से भी लाइन अच्छी हो तो वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएगी। माइंड लाइन में कोई लॉसेस है, जैसे इसी पाम में माइंड लाइन में एक जॉब साइन है, हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 35 से लेकर 40 तक इनके प्रॉब्लम दिख रही है फिनेंशियली। इस टाइम पीरियड में फेथ लाइन हो या फिर सनलाइन कितनी भी पावरफुल हो, उस टाइम पीरियड में इनको अच्छी रिजल्ट नहीं मिल पाएगी। तो सनलाइन की जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखनी है कि पाम बिल्कुल क्लियर हो, पाम में कोई प्रॉब्लम ना हो उस एज पीरियड में जहाँ से सनलाइन गुजर रही है, बाकी सारे लाइन भी परफेक्ट हो, हाथ की कंडीशन भी ठीक हो, तभी जाके सनलाइन इनको बहुत अच्छी रिजल्ट दे पाएगी। हम लोग अभी जब सीखना शुरू करेंगे तो हम लोग यही समझेंगे कि पाम की बाकी सारे कंडीशन ठीक ठाक है, कोई किसी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस हिसाब से एक सनलाइन किस तरीके का रिजल्ट दे सकती है। हम लोग जो नेचुरल देखते हैं कि सनलाइन 90% लोगों के हाथ में इसी तरीके से बनती है कि हार्ट लाइन के ऊपर एक सीधी लाइन इस तरीके से दिखती है। ये बहुत कोई मेजर नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन साइन है। इस तरीके का अगर लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ये टैलेंटेड होंगे, तो ऐसे लोगों को बहुत आर्ली सक्सेस तो नहीं मिलती है, जनरली लेटर एज में जाके ही सक्सेस मिलती है। अगर बहुत कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी या फिर उस तरीके का टैलेंट आप में नहीं है और आप जनरली जॉब वगैरह करते हैं और उसी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आफ्टर 50 आपकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून भरी रहेगी। वहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ना ही फिनेंशियली, ना ही फैमिली कोई रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी और आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी और सुकून भरी जाएगी 50 से लेके, अगर हार्ट लाइन से ये शुरू हो रही है।
हार्डलाइन के ऊपर अगर छोटी सी हम लोगों को दिखे तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती है। इस तरीके का अगर छोटी सी इंडिकेशन दिखे कि एक छोटी सी लाइन है सनलाइन, बहुत सारे पामों में इस तरीके से भी दिखते हैं, तो ये कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाती है। पर्टिकुलरली ये होना और ना होना एक ही बात है। तो इस तरीके का अगर लाइन दिखे तो सनलाइन का इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, ये लाइन किसी भी तरीके से ये मदद नहीं कर पाएगी। आगे चलते हैं, सनलाइन अगर हार्ट लाइन को क्रॉस करके माइन लाइन को नहीं कट रही है, इस तरीके का अगर सिनेरियो बन रही है तो आपको मिडिल एज करीब करीब हो जाएगी आपकी 40 के बाद, अब सब पकड़ लीजिए 40-45 से आपको अच्छी सक्सेस मिलने लगेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप एक्टर हो, सिंगर हो, किसी भी तरीके से हो, आपकी नेम फेम उस एज पीरियड से बहुत ज़्यादा बनने लगेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपकी गुडविल बढ़ेगी, अगर आप एक्टर है और आर्ट की दुनिया में है तो आपके आर्ट सभी उस टाइम पीरियड से याद आने के टाइम से ही आपकी फेम बढ़ती रहेगी, लोग आपको जानने लगेंगे और आपको फेमस भी बनाएगी। अगर उससे भी नीचे आ जाती है, माइंड लाइन को भी काट के नीचे आ जाती है, तो करीब करीब 35-30 के एज में आते ही ऐसे लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलने लगती है अपने अपने फील्ड में। नेम और फेम दोनों ही मिलती है इस तरीके का सिचुएशन में। सिर्फ पैसे ही नहीं है, ये लोग कमाते हैं, रिस्पेक्ट भी कमाते हैं, पॉपुलर भी बनते हैं। उससे और आगे चलते हैं कि अगर हम लोग देखेंगे बहुत लंबी सनलाइन जो करीब करीब फेथ लाइन के करीब लंबी है, तो ऐसे साइन होती है, ऐसे लाइन अगर हो तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं। जब भी इन लोगों की कैरियर शुरू होती है ऐसे लोगों को सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है, और ता उम्र जिंदगी भर तक ऐसे लोगों के सक्सेस पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी सक्सेस के पीछे नहीं भागते हैं, सक्सेस ऐसे लोगों के पीछे भागने लगते हैं। नेम फेम और सक्सेस ऐसे लोगों को हमेशा मिलती रहती है अगर इस तरीके का लंबी आपको सनलाइन दिखे। अगर नीचे से सिर्फ दिखे और ऊपर में ना दिखे, ऐसा भी तो हो सकती है, किसी भी तरीके का कंडीशन हो सकती है। तो इस तरीके का अगर नीचे दिखे और ऊपर बिल्कुल खाली हो और सनलाइन ना दिखे, तो ऐसे लोगों के टैलेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं। लोग इनके जो करीबी है वो जानते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इनको कभी उस तरीके का सक्सेस बाहर की दुनिया से इन लोगों को नहीं मिलती है। इनके करीबी जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, हो सकती है किसी सिंगर के पाम इस तरीके का लाइन दिखे, बहुत ही अच्छी गाता है, इनके फैमिली वाले जानते हैं, इनके दोस्त जानते हैं, लेकिन उनको उस तरीके से प्लेटफॉर्म कभी मिल ही नहीं पाती है। अगर सिर्फ नीचे ही हो जाए और ऊपर आपको सनलाइन ना दिखे, अगर मिडिल में हो और दोनों तरफ खाली दिखे, ये मास्टर रहेगा कि आपको हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों को ही कटनी पड़ेगी। इस तरीके का अगर सिचुएशन बने तो भी ऐसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है, मिडिल एज में आके सक्सेस मिलने लगती है, और ये बहुत जल्दी उस कैरियर से ऐसे लोग जो कहते हैं कि रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। छोटी लाइन होने के कारण इसी एज पीरियड में ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है, उसके बाद ये लोग बहुत जल्दी उस मतलब उस काम से ये लोग रिटायरमेंट भी ले लेते हैं और बाकी ज़िंदगी वो आमतौर पर नॉर्मली गुजरते हैं। तो ये एक आती है मिडिल में, इस तरीके का अगर सिचुएशन बने तो ऐसे लोगों को मिडिल एज में आके सक्सेस मिल जाती है, और थोड़ी लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलने के बाद आइदर वो सक्सेस उनके रहते नहीं है। हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे सिंगर आते हैं, 3-4 साल धमाल मचाते हैं, सभी के कानों में घुसते हैं उनके आवाज़, उसके बाद उन लोगों को और अता पता नहीं चलते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन बनती है। बहुत कोई एक खिलाड़ी आया क्रिकेट 2-4 साल 5 साल खेला, उसके बाद उसका कोई नाम ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंडिकेशन हम लोगों की दुनिया में या सोसाइटी में हम लोगों को मिल जाती है। तो इस तरीके का जो अगर सनलाइन हो उसी चीज़ को इंडिकेशन करती है कि अचानक से ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा फोकस में आ जाते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद ऐसे लोग खो भी जाते हैं। तो ये सिचुएशन बनती है उस तरीके का सनलाइन में। आगे चलते हैं और जानेंगे कि सनलाइन और क्या क्या चीज़ करती है। तो चलिए एक मिनट, अगर आपकी सनलाइन मार्स माउंट से शुरू हो यहाँ से, तो ऐसे लोगों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं बहुत ही ज़्यादा शांत रहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा शांत काम रह के अपना काम करने वाले, ये सारे लोग जनरली जो होते हैं, अगर इन लोगों के मैं कह देता हूँ, ऐसे लोग राइटिंग के काम में अच्छे करते हैं, किताब वगैरह लिखने में काम करते हैं, जो भी रॉयल्टी वाली इनकम होती है ऐसे लोग उनमें फोकस ज़रूर करते हैं। सिंगर बनते हैं, एक्टिंग की दुनिया में जाते हैं, कोई अपने बहुत बड़ी ज़मीन घर हो जिसको एक किराया देके उससे रेंट लेते हैं, किसी भी तरीके का रॉयल्टी वाले इनकम के काम में ऐसे लोग जनरली तो जाते हैं। लेकिन उसके साथ भी बहुत सारे कुछ हैं जो हमें जानना चाहिए। अगर ऐसे लोगों को जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और इस तरीके का लाइन हो, तो ऐसे लोग आर्ट के दुनिया में जाते हैं जहाँ पे लिखाई हो। आर्ट की दुनिया मतलब जो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, जो जिसमें लिखाई पढ़ाई रहे,
टीचर हो सकती है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों को उस तरीके का सक्सेस मिलती है। अगर सैटर्न माउंट बहुत ज़्यादा हाईली पावरफुल हो ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोग हिस्ट्री से जुड़ी हुई कनेक्टेड चीज़ों में काम करते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, केमिस्ट लेके पढ़ते हैं, हिस्ट्री से इन लोगों की नॉलेज बढ़ती है, उस तरीके का काम करने से ऐसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है। अगर ऐसे साइन होते हुए वेनस काफ़ी बड़ी और चौड़ी दिखे, बहुत ही बड़ी और चौड़ी वेनस दिखे, तो ऐसे लोग कॉपी जो आर्ट होती है उसमें चले जाते हैं, जैसे कि वो डांसिंग हो, एक्टिंग हो, ये सारे जो है कॉपी आर्ट है, इस तरीके का आर्ट में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो ये हम लोग जाना कि डिफरेंट तरीके का माउंट हम लोगों की भी देखने की ज़रूरत होती है अगर आपकी मार्स से आपकी सनलाइन आ रही है और सन की तरफ जा रही है। अगर आपकी सनलाइन मून की तरफ आ रही है तो बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं इस तरीके का। ऐसे लोगों के इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई इमेजिनेशन पावर होने के कारण ऐसे लोग किसी भी तरीके का अगर किसी के बच्चे के पाम में भी दिखे ना, तो आंखें बंद करके उन लोगों को किसी भी तरीके का आर्ट की फील्ड में दे दीजिए जहाँ पे क्रिएशन और इमेजिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। क्रिएटिव माइंड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव काम करना शुरू कर देते हैं, और क्रिएटिव काम करके ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है अगर आपकी मून माउंट से ये शुरू होता हुआ दिखे। तो बहुत सारे आर्ट के ऐसे लोग के पाम अभी मेरे यहाँ पे नहीं है, मैं नहीं तो दिखा देता आप लोगों को, जिनके मून माउंट से शुरू हो रही है और उनके आर्ट के या क्रिएटिव की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल ऐसे लोग बन चुके हैं। तो इस तरीके का अगर इंडिकेशन मिले तो ये अच्छी इंडिकेशन होती है। अगर आपकी सनलाइन कभी फेथ लाइन से शुरू हो, बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम लोग फेथ लाइन से सनलाइन शुरू हो रही है और सनमाउंट की तरफ जा रही है, इस तरीके का सिनेरियो बनती है अगर आपकी फेथ लाइन से कभी सनलाइन शुरू होने आपको दिखे। तो ऐसे लोगों को क्या होती है, जब जहाँ से ये फेथ लाइन शुरू हो रही है उस एज को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को उस एज पीरियड से ग्रेटर सक्सेस मिलती है, बहुत ही ज़्यादा हाई सक्सेस मिल जाती है जिस एज पीरियड से शुरू होती है। जैसे इस पाम में मैंने जो ड्रॉ किया है करीब करीब होगी 31-32 के करीब, तो इस टाइम पीरियड से ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा हाई सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है जहाँ से भी आप लोगों को फेथ लाइन से सनलाइन निकलती हुई दिखे। मैं सक्सेस के बारे में बहुत बोल रहा हूँ, ये जो सनलाइन की सक्सेस होती है ग्रेटर सक्सेस होते हैं, बहुत बड़े सक्सेस होते हैं, उन लोगों को खुद को भी यकीन नहीं होती है कि इस तरीके का सक्सेस मिल सकती है ऐसे लोगों को। जिन लोगों को बचपन से ही सनलाइन शुरू हो जाती है तो उन लोगों की तो वो समझ सकते हैं कि उनके बचपन से ही वो लोग सक्सेस मिलने लग रही है और हैबिचुएटेड हो जाती है। लेकिन जिन लोगों के सडनली लाइफ लाइन से या फेथ लाइन से सनलाइन उठती हुई और सनलाइन सन की तरफ जा रही हो, सनमाउंट पे जाना ज़रूरी है, तो अगर इस तरीके का सिचुएशन बन रही हो कि लाइफ लाइन और फेथ लाइन से आपकी सनलाइन उठ रही है और सनमाउंट की ओर जा रही है, तो ऐसे लोग खुद भी इतना खुद के ऊपर इतना मतलब वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इन लोगों को इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है और उन लोगों को उस तरीके का सक्सेस मिल भी जाती है। अचानक से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है और दुनिया में उन लोगों की नाम और पहचान बनना शुरू हो जाती है, बहुत ही बड़ी सक्सेस ऐसे लोग अचीव कर लेते हैं, बिलीव भी नहीं कर पाते खुद के ऊपर अगर इस तरीके का आपका इंडिकेशन पाम में दिखे। ये सबसे बढ़िया इंडिकेशन होती है सनलाइन की, अगर वो फेथ लाइन और लाइफ लाइन से उठता हुआ दिखे। अगर आपकी सनलाइन आप समझ लीजिए, अभी हम लोग सनलाइन की जो है कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सनलाइन को आर्टिस्टिक लाइन कहते हैं, आर्ट की दुनिया में जो लोग रहते हैं उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, ये सनलाइन। तो अगर आपके पाम में, मैं यहाँ पे रेड कलर ये दिखा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटा और पावरफुल सनलाइन, और येलो कलर दिखाऊंगा बहुत ही हल्की और कमज़ोर सनलाइन, तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि क्या हो सकती है। दो एक ही तरीके का अगर आपके लाइन हो, बहुत सारे हो, मैक्सिमम आप समझते हैं कि दो तीन एक ही पाम में एक ही लेंथ के सनलाइन हो, लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है रेड कलर में, और एक बहुत हल्की है, पतली है, और वो जा रही है एक ही लेंथ की है लेकिन वो थोड़ी हल्की और पतली है। तो इस तरीके का अगर सिचुएशन बनती है, जो रेड कलर की लाइन हो है, जो बहुत ही ज़्यादा डीप और पावरफुल है, ऐसे लोगों को पैसे तो मिलते ही है, साथ में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी मिल जाते हैं। जनरली ऐसे लोग कोई ना कोई क्रिएटिव काम ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये लाइन ऑफ ब्रिलियंसी है और ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, और इसके कारण ऐसे लोगों को पैसे तो मिलते ही, कमोन है, पैसे मिलेगा ही हमेशा, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोगों को नाम और फेम भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन अगर लाइन उसी के हिसाब से एक ही लेंथ की है और थोड़ी हल्की और पतली है,
तो ऐसे लोग जनरली पैसे कमाने में ही माहिर होते हैं। फेम और सक्सेस, जिसे फेम कहते हैं, नाम जो बनना चाहिए उस तरीके से इन लोगों की नाम नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर का भी पाम हम लोगों ने एनालिसिस किया है, मैंने मेरी चैनल पे ही है, बहुत सारे डायरेक्टर के भी पाम, उन लोगों के पाम में इस तरीके से आपको हल्का सा फेथ लाइन, पतली सी फेथ लाइन इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा कि लाइफ लाइन से एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग सनलाइन। उन लोगों की दो तीन पाम थे, यहाँ एक की थी लाइफ लाइन से जा रही थी और एक की फेथ लाइन से जा रही थी, दोनों के दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पतली थी। वो लोग डायरेक्टर बन चुके थे अपने कंपनी में, जहाँ पे वो बहुत ही छोटी एक ने एग्जीक्यूटिव लेवल से शुरू किया था और एक ने मैनेजरियल लेवल से काम शुरू किया था। दोनों ही पाम के एक ही कंडीशन है, एक के फेथ लाइन से जा रही थी, एक की लाइफ लाइन से जा रही थी, लेकिन लाइन काफ़ी पतली थी, काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन वो भी उन लोगों को डायरेक्टर बना पाया। लेकिन उस तरीके का उनको कभी भी फेम नहीं मिल पाए। एक कंपनी का डायरेक्टर होगा तो उसी कंपनी में ही नाम और फेम होगी, बाहर की दुनिया थोड़ी ना जान पाएगी कि ये किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो इसे इस तरीके के हम लोग रिस्पेक्ट दें। तो यही होती है, अगर यही लाइन इन लोगों के रेड कलर में होते और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते तो ये लोग इस तरीके का काम करते, जिन लोगों के आम जनता जो होती है वो भी उन लोगों के नाम और काम जान पाते। ये कोई क्रिएटिव काम करते हैं और दुनिया को दिखाते कि हाँ देखो ये मेरे काम है और मैं कितना क्रिएटिव हूँ, दुनिया इसे मानते भी है। पैसे शायद उसी हिसाब से ही मिलते, मतलब डायरेक्टर जो कमा रहा था वो ये भी वही कमा रही है, रेड कलर के लाइन में भी बालोए भी वही कमा रही है, वो 5 लाख महीने कमा रही है, ये भी 5 लाख महीने कमा रही है, लेकिन येलो कलर के लाइन में उतनी ज़्यादा उन लोगों को फेम नहीं मिली, एक कंपनी में ही होके रह गए, लेकिन रेड कलर के लाइन वालों को बहुत ज़्यादा फेम और सक्सेस मिली। यही डिफरेंस होती है सनलाइन की स्ट्रांग होना और वीक होने में, दोनों में ही सक्सेस मिलेगी। सनलाइन है लंबी है तो सक्सेस मिलेगी, अगर नहीं मिल रही है तो आपके किसी ना किसी दूसरी लाइन में प्रॉब्लम ज़रूर है उस एज पीरियड में, हमेशा तो नहीं रहेगी। जब भी वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। तो ये रही आपकी इस तरीके का सनलाइन के बारे में जानना। अभी हम लोग थोड़ा सनलाइन के नेगेटिव जो साइड होते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक तो लंबी सनलाइन होना, ये इंडिकेशन करती है कि आप एलोन रहना, खुद में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको एलोन रहना, खुद के साथ टाइम गुजारना ये अच्छे लगते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, सोसाइटी में रहना, सबके साथ हंस के घुल के मिलना, सभी से इजीली बात करना, ये लोग ऐसे नहीं होते, थोड़े खुद में रहते हैं, ये एक नेगेटिव साइन होते हैं। ऐसे लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भट्टा या फिर उस तरीके का चहल इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगते हैं। तो ये एक नेगेटिव साइन होते हैं इस तरीके का, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड होने के कारण क्या होते हैं, अनाप शनाप लोग बोलते रहते हैं ना, 10 लोग मिलेगा तो ऐसे बात तो होगा ही, और ये लोगों को उस तरीके का बात ठीक नहीं लगते हैं और इसलिए वो लोग वहाँ से गुजर जाते हैं या फिर आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खुद में ही रहना ये ज़्यादा पसंद करते हैं और क्रिएटिव काम करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सोसाइटी इसे थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, ये अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये थोड़ी कटी हुई रहती है ज़माने से जिन लोगों के स्ट्रॉन्ग सनलाइन पाम में रहते हैं। सनलाइन अगर वो भी आपको इस तरीके के दिखे जो स्नेक की पैटर्न की तरफ जा रही हो, बहुत सारे पामों में ऐसे भी होते हैं कि इस तरीके का स्नेक की तरह इस तरीके का सनलाइन है, ऐसे लोगों के अंदर टैलेंट काफ़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट रहते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, ये हमेशा शॉर्टकट अपनाने को चाहते हैं, कभी भी ये बहुत ज़्यादा मतलब अगर ये इजीली अपने टैलेंट को जाहिर करेंगे तो ऐसे लोगों को इजीली सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन ये हमेशा शॉर्टकट ढूंढना, किसी को नीचा करके खुद को ऊपर जाना, ये सारे चीज़ों में कोशिश करते रहते हैं और ऐसे लोगों को उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है। ये एक बैड इंडिकेशन रहती है अगर इस तरीके का सनेक पैटर्न का आपका सनलाइन दिखे। अगर सनलाइन आपको इस तरीके से टूट टूट के जा रही हो दिखे तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहते हैं, कभी सक्सेस मिलती है कभी मिलती नहीं है, हमेशा ये लोग दुविधा में रहते हैं, कब मुझे मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इस तरीके से ये लोग दुविधा में रहते हैं हमेशा। कभी कभी छोटी छोटी सक्सेस मिल जाती है, कभी कभी नहीं मिलती है, बहुत बड़े पैमानों में इतनी लंबी सनलाइन है इनके पाम में, लेकिन यह टूटी हुई है हर जगह से। तो एक लंबी सनलाइन होने के जिस तरीके का सक्सेस मिल सकता था उसका शायद इनको 10% भी ना मिले, बहुत ही हल्की सी सक्सेस मिलती है, वो भी ब्रेक में, जब भी सनलाइन एक्टिव हो रही हो तब छोटी सी सक्सेस मिल जाती है, उसके बाद फिर से ऐसे लोग धीरे रह जाते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो इस तरीके से इनकी ज़िंदगी स्टेप बाय स्टेप
धीरे धीरे चलता रहता है, बहुत बढ़िया कोई इंडिकेशन या रिजल्ट सनलाइन से इन लोगों के नहीं मिलते हैं। अगर राहु लाइन कट रही हो सनलाइन के ऊपर, बहुत सारे राहु लाइन कटता हुआ अगर दिखे इस तरीके से, तो अगर सनलाइन में राहु लाइन कटती हुई दिखे तो ऐसे लोगों को सक्सेस बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है, और बदनामी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नाम तो मिलती है लेकिन वो बदनामी की तरफ ही ज़्यादा हो जाती है। कोई भी किसी भी तरीके का काम करे तो ऐसे लोग उतनी ज़्यादा ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती है। अगर इस तरीके का आपकी साइन दिखे, कुछ रिपेयर साइन भी होते हैं, मतलब देखिए इस तरीके से आपकी सनलाइन चल रही है और एक बीच में गैप बना रही है, तो आपने समझ रहे हैं ये बीच ये मेरे साथ क्या हुआ अभी तो देखे, तो मुझे उस तरीके का सक्सेस नहीं मिल सकती है। तो आप ढूंढने कोशिश कीजिए कि वहाँ पे कोई इस तरीके का स्क्वायर साइन बन रही है क्या। अगर स्क्वायर साइन बन रही हो तो ये कुछ भी आपको ख़राब रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपकी ओए भी सनलाइन भी है, आपकी कहीं पे ओए दिख रही है सनलाइन, टोटली अगर ओए भी हो जाए तो होगा नहीं, लेकिन इस तरीके के चलते हुए सडनली एक ओए लेके इस तरीके से चल रही है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पैरेलल लाइन है तो आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको उस तरीके का नुकसान या फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर इसके ऊपर कोई स्क्वायर साइन बन रही है जो इसे प्रोटेक्ट कर रही है और आपको उस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको कंटिन्यू सक्सेस ज़रूर मिलता रहेगा। जनरली हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हमेशा यही देखते हैं कि सनलाइन में प्रॉब्लम तो नहीं है, सनलाइन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और कुछ कुछ प्रॉब्लम है हम लोग बता देते हैं। तो बाल लाइन, अगर सनलाइन पहली मैंने फेथ लाइन में बताया था उसी की इंडिकेशन यहीं पे भी चलेगा, अगर बाल लाइन से स्टार्ट हो इस तरीके का, बाल लाइन से स्टार्ट हो सनलाइन, तो वो बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाती है। सनलाइन के नीचे से अगर इस तरीके का कोई आपको प्लेटफॉर्म दिखे जिससे एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर सनलाइन चल रही है तो अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ये सनलाइन होना या ना होना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। उसी तरीके से अपर में भी अगर कोई बाल लाइन हो तो भी बात वहीं पर आके ख़त्म हो जाएगी, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। बाल लाइन होना मतलब उसका कामकाज को स्टॉप करना, थोड़ा इस तरीके से समझिए, मैं हमेशा समझाता हूँ इसी तरीके से कि आप किसी लाइन को हमेशा आइदर इलेक्ट्रिक फ्लो समझिए या फिर नदी समझिए जो अपनी लहर जिसमें बहता जा रहा हो, तो एक एनर्जी फील बोलिए या फिर पानी बोलिए इस तरीके से बह रही है और अचानक से एक दीवार में आके ये रुक रही है जहाँ से वो इस तरफ नहीं जा पा रही है, तो क्या हो रही है, फ्लो बंद हो रही है। तो ये रिज़ल्ट, ये जो पानी है इसका फ्लो भी बंद हो जाएगा। एक लंबी नाले को ले लीजिए, लंबी नाला या फिर लंबी नदी, उसके आगे अगर आप बांध दे के रोक देंगे तो टोटल जो नदी है चाहे वो कितनी भी लंबी हो थोड़ी टाइम बाद वो ठहर जाएगा, उसकी कोई वेव किसी भी तरफ नहीं जाएगी क्योंकि ये आगे नहीं जा पा रही है। तो चाहे कितनी भी दूर आपकी बाल लाइन हो, तो ऐसे आप लोग कुछ समझ सकते हैं कि बहुत लंबी लाइन है और उसके ऊपर एक छोटी सी बाल लाइन है, तो ये लाइन इनको रिजल्ट नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाएगी। लाइन तभी रिजल्ट दे पाती है जब इनके अंदर फ्लो हो पाती है। एनर्जी मेन चीज़ जो होती है हम लोगों की ज़िंदगी में, वो होती है एनर्जी। सिर्फ हम लोगों की ज़िंदगी में नहीं, पूरी यूनिवर्स में ही एक ही चीज़ चलती है, वो एनर्जी। और लाइन में भी हम लोग यही ढूंढते हैं, एनर्जी कहाँ से कितनी ज़्यादा है और किस तरीके का एनर्जी जा रही है। तो अगर आगे बांध हुआ है, आगे यहाँ पे बाल लाइन है, तो ये एनर्जी रुक जाएगी, कहीं पे भी नहीं जाएगी, अगर चाहे वो लाइन कितनी भी बड़ी हो। तो अगर इस तरीके का बाल लाइन हो तो सनलाइन होना या ना होना एक ही बात है, कुछ भी रिजल्ट आपकी सनलाइन की नहीं मिलेगी। अगर स्टार फॉर्मेशन बन रही हो, चाहे ऊपर हो नीचे हो, स्टार फॉर्मेशन से शुरू हो ख़त्म हो या फिर दोनों ही हो, ऐसे सनलाइन सबसे बढ़िया होती है और सबसे अच्छी रिजल्ट देती है। जहाँ से स्टार साइन से ही ये, मतलब ऊपर में अगर आपकी सिर्फ स्टार है तो भी आपको जहाँ से सनलाइन शुरू हो रही है वहीं से आपको ज़िंदगी में बहुत ही सडन और बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस और सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। और स्टार साइन के साथ शुरू हो तो इन लोगों के सक्सेस भी शुरुआत में ही बहुत बड़ी मिल जाएगी। अगर सनलाइन स्टार साइन से ख़त्म हो रही हो, इस तरीके का सिचुएशन बन रही है, तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और जितनी दिन जाते हैं, जितनी स्टार के करीब जाते हैं, उतनी ज़्यादा सक्सेस इन लोगों को ज़्यादा ज़्यादा मिलने लगती है। एक से शुरू करके ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। अगर स्टार से ही शुरू हो तो शुरुआत से ही ऐसे लोगों को एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है और आगे चलना शुरू करती है। तो ये हम लोग समझ गए कि स्टार अगर सनलाइन में हो तो क्या हो सकती है। चाहे आपके पाम में बाल लाइन हो या फिर ना हो, मतलब यहाँ पे एक बार है, आप देख रहे हैं कि बार है तो
रतिन जी ने कहा कि ये लाइन कुछ रिजल्ट नहीं दे रही है, तो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान से देखिए, सच में ये बाढ़ ही है? इसके आसपास कोई इस तरीके से स्क्वायर साइन तो नहीं बन रही है? इस तरीके से बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है। अगर स्क्वायर साइन बन रही हो या सनमाउट में थोड़ी लाइन से दूर, लाइन से लेके करीब यहाँ से बन रही है, तो वो बाल लाइन हो या फिर कुछ भी लाइन हो, कुछ भी इंडिकेशन करे, वो आपको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा। क्यों? स्क्वायर साइन हमेशा प्रोटेक्शन की साइन होती है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किस तरीके का भी प्रॉब्लम हो, अगर स्क्वायर साइन आपको दिखे तो वो प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, तो आपको सक्सेस भी मिलेगा। तो हमेशा बहुत सारे चीज़ों का हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ती है। अगर खराबी हो, जैसे मैंने कहा कि अगर ब्रोकन सनलाइन हो और वहाँ पे स्क्वायर साइन हो तो आपको प्रोटेक्शन करेगा, उसी तरीके से अगर बाल लाइन हो और उसके यहाँ पे अगर नीचे से छोटी सी इस तरीके से स्क्वायर भी बन रही हो तो भी ये आपको प्रोटेक्ट करेगा और आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगा। और भी बहुत सारे साइन हैं सनलाइन के, फ्लैक्स साइन, ये साइन, बहुत सारे और भी कुछ चीज़ है, उसके बारे में नहीं बताते हैं क्योंकि वो सारे आप लोग जानते हैं, जनरल पाम में हम लोग एनालिसिस करते ही रहते हैं। तो अभी हम लोग वही चीज़ों का डिस्कस करते हैं जो जनरल पाम में हम लोग एनालिसिस के टाइम में हम लोग को मिलती नहीं है। बहुत सारे सनलाइन ऐसे भी होते हैं जिन लोगों के शुरू में टेशल होते हैं। टेशल क्या है? टेशल मतलब झाड़ू। अगर झाड़ू की तरह इस तरीके का दिखे, चाहे नीचे हो ऊपर में हो, इस तरीके का टेशल बनती हुई दिखे, तो ये रिजल्ट भी बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे पाती है। इनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होती है, कभी भी इन लोग फोकस में नहीं आ पाते हैं और ऐसे लोगों को सक्सेस नहीं मिल पाती है। टेशल भी होना खराब इंडिकेशन होती है, चाहे ऊपर में हो नीचे हो में हो, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ये बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाती है, ये खराब इंडिकेशन होती है। ये सारे जो इंडिकेशन है अभी हम लोग देखते हैं, तो ये सारे चीज़ हम लोगों के सनलाइन के बारे में हम लोग आज जाने। और अगर सनलाइन के और एक अच्छी इंडिकेशन होती है, इसे बता के ही मैं इस सनलाइन की जो आज की एनालिसिस है इसे ख़त्म करूँगा। सनलाइन की और एक बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है अगर सनलाइन के साथ कोई सिस्टर लाइन चल रही हो, इस तरीके का अगर सिस्टर लाइन हो उस टाइम पीरियड में बहुत ही पावरफुल बन जाती है सनलाइन, दो दो सनलाइन की रिजल्ट देती है, दो सनलाइन होना, उसके बारे में आता हूँ मैं। ये अगर इस तरीके का सिस्टर लाइन दिखे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पीरियड में सक्सेस मिल जाती है। ये सिस्टर लाइन जितनी लंबी हो उतनी ही ज़्यादा बेहतर, उतनी ही बड़ी सक्सेस और उतनी ही ज़्यादा सक्सेस इन लोगों को मिलेगा। अगर इतनी ही दो पैरेलल आपको सनलाइन दिखे जो एक दूसरे का सिस्टर लाइन आप लोगों को दिखे तो ये काफ़ी अच्छी और बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। करीब करीब सनलाइन की स्टार जैसी ही फॉर्मेशन की जैसी ही रिजल्ट देती है। अगर सनलाइन की आखिर में आपको इस तरीके का दो साइड से दो पैरेलल सिस्टर लाइन दिखे तो इसे आप इस तरीके से समझिए कि सनलाइन में स्टार साइन है, चाहे वो नीचे हो या ऊपर। इस तरीके का अगर पैरेलल लाइन या सिस्टर लाइन दोनों तरफ से अगर आपको सनलाइन में बनता हुआ दिखे तो समझिए कि सनलाइन में स्टार की तरह ही रिजल्ट मिलती है। अगर ऊपर हो तो प्रोग्रेसिव सक्सेस मिल जाती है, अगर नीचे हो तो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। तो इसे करीब करीब आप लोग स्टार साइन की तरह ही समझे। तो यही रही सनलाइन के बारे में, हमने बहुत कुछ जाना आज। बाद में और भी अगर एपिसोड लाएंगे तो और भी बहुत कुछ होगी, एक लाइन के बारे में इतना ज़्यादा है कि एक एपिसोड में तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, अभी भी बहुत सारे इंडिकेशन हैं, तो उसके लिए एक दूसरी वीडियो कभी बनाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।